Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका एच कैचर अमित मिश्रा आपके साथ, और यहाँ पर आप मेरे पीछे स्लाइड पर देख पा रहे हैं। तो अगर कल की बात करें तो कल 1:30 से 4:30 मैं आपकी क्लास लूँगा ऑन इकोनॉमिक्स, ऑन करंट अफेयर्स फॉर स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी। ठीक है, तो आपको वहाँ पर आना है, 3 घंटे हमें धमाल मचाना है। ठीक, कुछ बच्चे मुझसे अभी आईडीबीआई का सिलेबस पूछ रहे हैं, कुछ बच्चे मुझसे डिफरेंट एग्जाम का पूछ रहे हैं लाइक आरआरबी एनटीपीसी। हर एग्जाम पर मैं एक सेशन ले लूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। पूरा सिलेबस, टाइमिंग, सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा एक्सप्लेन करना। ठीक है, तो आपको कल आना है 1:30 पर फॉर इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस एंड स्पेशली फॉर करंट अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के मोटिवेशनल कोट की बात करते हैं जो कंप्यूटर जी आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो मोटिवेशनल कोट आपके सामने यहाँ पर आएगा, देखिए। यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। जब आप कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो आप परफेक्ट नहीं होते हैं। मैक्सिमम, मतलब मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से 70% स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी शुरू करते हैं वो स्टार्टिंग में ही प्रेशर में आके अपनी प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं। आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, आप ग्रेट नहीं हो। हाँ, लेकिन आप जिसके लिए, आप जिस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब कि आपको ग्रेट बनने के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो ये बिल्कुल भी इसमें कॉम्प्लेक्स फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि यार हमें कुछ नहीं आता। आप सीखेंगे तभी तो आएगा, और सिलेक्शन लेके आप ग्रेट बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो इस चीज़ को समझिए कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है उसे डरने का मतलब नहीं, उसे फेस करने का मतलब है। आप रॉकस्टार हैं, आप ये सब करने नहीं आए हैं, है ना। तो कभी गिव अप नहीं करना है हमें, इतना में ध्यान देना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की, और मैं आपको यहाँ पर इंडेक्सेस दिखा रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। नेशनल अफेयर्स से एक्स्ट्रा हाईलाइट हमारे पास है, बहुत सारी न्यूज़ है, तो हम जल्दी चलेंगे, स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 7:30 पे हमें आना है नहा धोकर, ताकि हमारा माइंड फ्रेश हो, हाथ में कॉफ़ी या टी हो, और मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, इधर देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और नेशनल अफेयर से शुरू करेंगे हम लोग। चलिए, तो पहली न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर टाटा के लिए है, टाटा मोटर्स के लिए है। तो टाटा मोटर्स ने, जो हमारे देश में ड्राइवर्स हैं, ड्राइवर्स के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है, हम उसकी बात करने वाले हैं। तो टाटा मोटर्स लॉन्च इनिशिएटिव फॉर ड्राइवर्स। तो ड्राइवर्स का मतलब, आइए आगे बात करते हैं। देखिए,
तो टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स ने एक ड्राइविंग प्रोफेशन इन द ट्रकिंग स्पेस शुरू किया है। ट्रकिंग स्पेस का मतलब जो ट्रक चलते हैं, ट्रक ड्राइवर सेक्टर की बात हो रही है। पहली बार ऐसा हुआ है किसी प्राइवेट कंपनी ने इस ओर ध्यान दिया है। तो टाटा मोटर्स मंडे लॉन्च एन इनिशिएटिव टू प्रमोट ड्राइविंग प्रोफेशन इन द ट्रकिंग स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर द टाटा मोटर्स समर्थ इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव का नाम क्या होगा? समर्थ होगा, ये भी आपको लर्न करना, ठीक है। द कंपनी प्लान टू एड्रेस फोर क्रिटिकल एरिया, हेल्थ एंड वेलनेस, इंश्योरेंस, एजुकेशन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। तो टाटा मोटर्स जो है एक इनिशिएटिव शुरू कर रही है समर्थ, इसके तहत जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको चार चीज़ों पे फोकस करना होगा। फर्स्ट इज हेल्थ एंड वेलनेस, सेकेंड इज इंश्योरेंस, थर्ड इज एजुकेशन एंड फोर्थ इज फाइनेंस प्लानिंग। तो ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं इनको पूरी तरह से अपग्रेड करने का ये इनिशिएटिव है समर्थ। लॉन्च किसने किया है? टाटा मोटर्स ने, ठीक है। तो ये बात, तो आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि ट्रक ड्राइवर के लिए एक इनिशिएटिव समर्थ शुरू किया है, ये किस कंपनी ने शुरू किया है? तो टाटा मोटर्स आपका आंसर हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं बिकॉज प्राइवेट कंपनी किसी सोशल इश्यूज पे वर्क कर रही है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द ऑटो मेजर एम्स, मतलब कि टाटा मोटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? To reach 5 lakh driver every year under the program. तो हर साल 5 लाख ड्राइवर को इस इनिशिएटिव से जोड़ने के लिए टाटा मोटर्स ने ये काम शुरू किया। समर्थ याद रखिएगा, चार पैरामीटर्स कौन से हैं, चार फोकस्ड एरिया कौन से हैं, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाटा मोटर्स के कुछ स्टैटिक पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए, टाटा मोटर्स हेडक्वार्टर मुंबई, एंड की पीपल कौन कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन चेयरमैन है, और गुनेटर बुशेक कौन है? सीईओ है। तो ये टाटा मोटर्स के आपके चेयरमैन और सीईओ के नाम हमने आपको दे दिए हैं। तो टाटा मोटर्स के साथ और भी क्या कोई ऑटोमोबाइल कंपनी जानी जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी हाँ बिल्कुल। आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करते हैं। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा हेडक्वार्टर मुंबई, एंड आनंद महिंद्रा चेयरमैन है और पवन कुमार गोयन का मैनेजिंग डायरेक्टर है। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो स्पेशली रेलवे और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ें तो मारुति सुजुकी की बात कर लेते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और आरसी भार्गव चेयरमैन है, और केनिची आयुकावा, ये तो हमने अभी न्यूज़ में पढ़ा 3-4 दिन पहले है ना, तो केनिची आयुकावा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ है, ये रीअपॉइंट हुए अभी रिसेंटली में, ठीक है। तो मारुति सुजुकी के बारे में हमने बात कर ली है। और देख लें बजाज ऑटो के बारे में बात कर लें। पुणे में इसका हेडक्वार्टर है, राहुल बजाज चेयरमैन है और राजीव बजाज सीईओ है, ये भी हमने बता दिया। तो ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में देखने को मिले थे, इसलिए हमने कंप्लीट लिस्ट आपको दे दी। एक अभी और हीरो मोटोकॉर्प बचा हुआ है। तो हीरो मोटोकॉर्प हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, श्री डॉक्टर ब्रिज मोहन लाल मुंजाल ये चेयरमैन है, और पवन मुंजाल चेयरमैन एमडी सीईओ है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, तो ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल अफेयर्स में पहली न्यूज़ हमने आपको दे दी कि टाटा मोटर्स जो है ये समर्थ नाम का इनिशिएटिव शुरू कर रहा है फॉर ड्राइवर्स, और इसमें चार फोकस्ड एरिया पर काम होगा। टाटा मोटर्स का ऑब्जेक्टिव है कि हर साल 5 लाख ड्राइवर को इससे जोड़ा जाए। आइए नेशनल अफेयर्स में हम दूसरे न्यूज़ पे चलते हैं, इंडिया रैंकिंग की बात करते हैं। तो इंडिया रैंकिंग जारी हो गई है, जिसमें हमारे देश के टॉप इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग होती है और उन्हें 1, 2, 3 रैंक से नवाजा जाता है। आइए हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान क्या देना है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद रिलीज द इंडिया रैंकिंग 2019, यानी कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसको जारी किया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, किसने लॉन्च किया? तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसको लॉन्च किया, ठीक है। देखिए, ही ऑल्सो प्रेजेंटेड द इंडिया रैंकिंग अवार्ड टू द टॉप 8 इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट कैटेगरीज एट अ फंक्शन हेल्ड इन न्यू दिल्ली। अब देखिए, तो हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इसे लॉन्च किया, और ये लिस्ट कहाँ पे जारी हुई? ये लिस्ट दिल्ली में जारी हुई। तो दिल्ली, आपको ये पॉइंट, न्यू दिल्ली पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अभी दो पॉइंट याद करने हैं और कहानी पूरी है, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ही ऑल्सो रिलीज द अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट। देखिए, तो अब आपको ARIIA का एब्रीविएशन, मतलब फुल फॉर्म भी लर्न करना है एग्जाम में। इस बार हर एग्जाम के सिलेबस में एब्रीविएशन नाम सामने आया, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो CGL का हो, चाहे वो SBIPO का हो। तो एब्रीविएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, तो इसका एब्रीविएशन याद करना जरूरी है। यानी 3 पॉइंट इस न्यूज में आपको ध्यान देने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो क्या इंडिया रैंकिंग का क्या हाईलाइट्स थी, आइए हम उसकी बात कर लें। यहां पर देख लीजिए, तो IIT मद्रास टॉप्ड द नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूशन फॉलोड बाई IISc बेंगलुरु एंड IIT दिल्ली। तो अगर हम बात करते हैं हायर इंस्टीट्यूशन की, तो उसमें IIT मद्रास पहले नंबर पे है,
आईआईएससी बेंगलुरु दूसरे नंबर पे है और आईआईटी दिल्ली तीसरे नंबर पे है, ठीक है। आइए मैनेजमेंट कॉलेज की बात करें तो आईएम बेंगलोर पहले नंबर पे है, आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़े, 7 आईआईटी अमंग ओवरऑल नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूशन, तो अगर हम सारे इंस्टीट्यूशन को साथ में लें तो उसमें 7 आईआईटी आती हैं, ठीक है। आगे बढ़े, 9 आईआईटी इन टॉप 10 लिस्ट ऑफ बेस्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर इनोवेशन, बेस्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशन मतलब सरकार के, अगर सरकारी इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 9 आईआईटी इसमें आती हैं, टॉप 10 लिस्ट में आती हैं, मतलब हम अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े और देखिए, एम्स रैंक नंबर 1 अमंग मेडिकल साइंस इंस्टीट्यूट, ये तो होना ही है। नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर टॉप लॉ कॉलेज, लॉ कॉलेज की बात करें तो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर में, ठीक है, ये टॉप किया इसने। आगे देखें, आईआईटी चेन्नई रैंक फर्स्ट, आईआईएससी बेंगलोर सेकंड एंड आईआईटी दिल्ली थर्ड इन एचआरडी मिनिस्ट्री नेशनल रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। अच्छा आगे बढ़े, जेएनयू गेट 7th रैंक इन ओवरऑल चार्ट, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिरांडा हाउस टॉप नेशनल रैंकिंग ऑफ कॉलेजेस एंड जामिया हमदर्द बेस्ट फार्मेसी इंस्टीट्यूट, तो अलग अलग कैटेगरी में टॉप के कॉलेजेस के बारे में हमने आपको बता दिया, ये आपको पढ़ना है। और अगर आगे बढ़ें तो आपको हम कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, एब्रीवेशन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो एब्रीवेशन पढ़ना ही है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, कब इसे लॉन्च किया गया, क्या क्या हुआ, आइए स्टैटिक पॉइंट्स की बात करें। देखिए तो नेशनल रैंकिंग की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ने इसको अप्रूवल दिया था, और अगर हम बात करते हैं देखिए तो लॉन्च बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑन 29 सितंबर 2015, तो 29 सितंबर को इसे लॉन्च कर दिया गया था। और फर्स्ट NIRF रैंकिंग वॉज इशूड ऑन 4th अप्रैल 2016, तो पहली रैंकिंग 4 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई थी। और इस रैंकिंग में कौन कौन से पैरामीटर देखे जाते हैं वो देख लीजिए, तो ये है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी एंड परसेप्शन। तो ये तो आपको देखो अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए ये पॉइंट जो मैंने लिखा। अगर आप बैंकिंग एसएससी या इस लेवल एग्जाम की बात कर रहे हैं तो इतना डीप में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब देखिए इस लिस्ट को थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। तो टॉप 5 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया 2019 आप देख लें तो आपके सामने पूरे हम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 कॉलेज के नाम मैंने आपको दे दिए हैं। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज की बात कर लें तो रैंकिंग देख लीजिए यहाँ पर, ये आपके सामने है। यूनिवर्सिटीज में आईआईएससी बेंगलोर नंबर 1 पर है और जेएनयू दूसरे नंबर पे है, ठीक है। आगे बढ़े, टॉप 5 कॉलेज की बात कर ले तो मिरांडा हाउस पहले नंबर पे है और लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन 5वें नंबर पे है, ठीक है। तो ये हमने आपको सिंप्लीफाई कर दिया थोड़ा सा लिस्ट, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो आपको ले चलते हैं अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, तो ARIIA की बात करें इसमें क्या पॉइंट है। तो इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिस्टमेटिकली रैंक ऑल मेजर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज इन इंडिया ऑन इंडिकेटर्स रिलेटेड टू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है। ये तो हमें क्लियर है, उतना ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए तो ARIIA में अगर रैंकिंग होती है तो कौन कौन से पैरामीटर को फोकस किया जाता है, तो ये आपके सामने पूरे पैरामीटर है, ये यूपीएससी वाले बच्चे से जरूर पढ़ेंगे, बाकी की अगर आप बैंकिंग एसएससी को तो आप इसे स्किप कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवेज इन न्यूज, तो इंडियन रेलवे की हम बात करने वाले। अभी तक हमने 2 न्यूज पढ़ लिया, एक टाटा मोटर्स के समर्थ इनिशिएटिव की और एक हमने क्या बात कर ली, रैंकिंग की बात कर ली। आइए तीसरे न्यूज की बात करते हैं, तो गुवाहाटी स्टेशन गेट्स ISO सर्टिफिकेशन, यानी गुवाहाटी स्टेशन को ISO सर्टिफिकेशन मिल गया है। और ये ISO का मतलब क्या होता है तो आप लोग बचपन से जानते होंगे, ISO सर्टिफाइड लिखा होता है ना। चलिए, द गुवाहाटी रेलवे स्टेशन हैज बिकम द फर्स्ट एवर रेलवे स्टेशन इन इंडिया इंडियन रेलवेज टू गेट एन ISO सर्टिफिकेशन फ्रॉम द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब कहने वाली बात तो है नहीं, जो रेलवे वाले बच्चे हैं उनको तो जरूर ये पढ़ना है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ISO सर्टिफाइड किया और ऐसा होने वाला इंडियन रेलवे का ये पहला स्टेशन है, इसीलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। ISO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन नंबर, यानी आपके काम में कुछ स्टैंडर्ड है तो आपको ISO नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो पहला रेलवे स्टेशन है इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने दिया है, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिया है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान देने। देखिए,
The station also have amenities such as high class reserve lounge, waiting room, AC and non-AC retiring room, food court and sanitation facilities. तो ये सब parameters पे इनको certification दिया गया है ISO certified certification का, ठीक है? तो ये point आपको learn करना है, आगे बढ़ते हैं। अब ये international organization for standardization जो है, तो इसका मतलब क्या है? इसके कुछ static points की बात कर लें। तो मैंने हमेशा आपको पढ़ाया है, देखिए। फॉर्मेशन पहले 1947 में हुआ, पर्पस इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन क्रिएट करने के लिए, हेडक्वार्टर जिनेवा, क्योंकि ये क्या है, आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने आपको ट्रिक पढ़ाई है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल से शुरू हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन पे खत्म हो रहा है तो उसका मोस्टली हेडक्वार्टर जिनेवा में ही आपको मिलेगा। इसमें एक एक्सेप्शन है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, वो लंदन में, वरना बाकी सब जिनेवा में ही आपको मिलेंगे। मेंबर कंट्री 164 मेंबर एंड प्रेसिडेंट इज जॉन वाल्टर। तो ये आपको हमने आईएसओ के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, ये तो आपको लर्न करना ही करना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन रेलवे की न्यूज की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम रेलटेल कंपनी की बात कर लें, तो 1500 इंडियन रेलवे स्टेशन वाईफाई इनेबल्ड, तो 1500 भारतीय रेलवे स्टेशन वाईफाई से सक्षम हो गए हैं। और ये किसने किया? रेलटेल ने किया है। और आप ताज्जुब की बात माने तो देखिए कितनी स्पीड के साथ काम किया है, कि केवल और केवल अगर हम बात करते हैं तो केवल और केवल कुछ दिनों में ये काम पूरा हो गया। और कुछ दिन का मतलब मैं आपको समझता हूँ। देखिए, रेलटेल हैज प्रोवाइडेड फ्री हाई स्पीड वाईफाई सर्विसेज टू एज मैनी एज 500 स्टेशन इन जस्ट 7 डेज। तो 7 दिन के अंदर अंदर 500 स्टेशन को फ्री वाईफाई की सुविधा रेलटेल ने प्रोवाइड की है। अब इसमें पढ़ने वाला पॉइंट क्या, ये देखिए, साहिबाबाद हैज बिकम द 1500 स्टेशन इन द कंट्री टू गेट फ्री वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय रेलटेल। तो साहिबाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट का स्टेशन है, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, वो 1500वां स्टेशन बना है वाईफाई फ्री प्रोवाइड करने वाला। और ये किसने प्रोवाइड किया? रेलटेल ने किया है। तो साहिबाबाद 1500वां स्टेशन बना है रेलटेल के द्वारा, जिसमें रेलटेल ने फ्री में वाईफाई प्रोवाइड किया है। तो साहिबाबाद याद रखिएगा, 1500 रेलवे स्टेशन, ठीक? तो ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे विच फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विसेज। और आपको मैं बता दूं, रेलटेल एक मिनी रत्न कंपनी भी है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। इसके बारे में हम कल या परसों ही बात कर रहे थे शायद, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, 2000 में से बनाया गया, हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। आशुतोष वसंत जो है चेयरमैन और एमडी हैं, ये आपको लर्न करना है। आशुतोष वसंत, हमने आपको एक नाम और दिया, रेलटेल कंपनी के एमडी और सीईओ आशुतोष वसंत आपके सामने यहां पर है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट न्यूज की बात करेंगे और यहां पर हम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बात करने वाले हैं। जी हां, यहां पे कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको सुना दे रहा हूं। तो अडानी पावर रिसीव्ड लेटर ऑफ इंटेंट, ये क्या मतलब हुआ भाई? आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अडानी पावर, आई थिंक इसका नाम तो पता ही होगा आप लोग को। अडानी पावर रिसीव द लेटर ऑफ इंटेंट टू एक्वायर द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि आप क्या है, आप कंगाल हो चुके हैं। आप कंगाल, देखिए दो वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, एक बैंकरप्सी और एक इंसॉल्वेंट। इसका मतलब क्या होता है, मैं समझा दूं। देखिए, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने बैंक से बोल दिया कि मेरे पास पैसा रिटर्न करने के लिए कुछ है ही नहीं है, तो मैं बैंकरप्ट हो गया। लेकिन मेरे बैंकरप्ट कहने से लॉ मान नहीं लेगा, प्रॉपर मेरे ऊपर केस होंगे। और जिस दिन न्यायालय ये बोल देगा, मतलब कि कोर्ट ये बोल देगा, हाँ ये बंदा क्या है, बैंकरप्ट, तो जब बैंकरप्सी लीगल हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, ठीक है? तो इंसॉल्वेंसी तो मतलब क्या हुआ कि एक भाई इनका दीवारा निकल चुका है। कौन? कोरबा वेस्ट पावर कंपनी ऑन 8 अप्रैल। तो अडानी पावर को एक लेटर ऑफ इंटेंट मिल चुका है कि हाँ आप अब कोरबा वेस्ट पावर कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, बिकॉज कोरबा वेस्ट पावर कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुका है। आइए आगे समझाते हैं क्या इसका मतलब है, ठीक है? तो पहले आपको कोरबा वेस्ट पावर कंपनी के बारे में नाम याद रखना है और अडानी पावर इसे एक्वायर करने जा रही है, ठीक है? आगे देखिए, देखिए, The LOI dated April 6 was issued by the resolution professionals appointed by the Ahmedabad bench of the National Company Law Tribunal. आपने National Company Law Tribunal का नाम कई बार सुना होगा। देखिए ऐसा होता है, समझिए मेरी बात को, आपको पता है कि कुछ साल पहले तक हमारे जो गवर्नमेंट बैंक हैं इनका NPA काफ़ी इंक्रीज हो रहा था। NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक का जो लोन फंस जाता है मार्केट में। तो इसके लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड की स्थापना हुई 2016 में,
और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी ने इस रिजोल्यूशन को थोड़ा फास्ट कर दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है, अगर वो किसी बैंक से लोन लेती है और वो बैंक का पैसा वापस नहीं कर पाती है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक एडवर्टीजमेंट निकालती है कि इस कंपनी को हम बेचने जा रहे हैं, अगर आप खरीदना चाहते हैं कोई भी लोग तो आप खरीद सकते हैं। तो जो पर्सन इन कंपनी को खरीदेगा वो पैसा बैंक को दे देगा, बैंक का पैसा वापस हो गया बैंक को, और अब दूसरी कंपनी इसे एक्वायर कर लेती है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को इसीलिए बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया, ठीक। देखिए तो KWPCL मतलब जिसकी हम बात कर रहे थे कोरबा की, तो इसकी अपनी खुद की 600 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में इसकी अपनी प्लांट है, तो अब अडानी से एक्वायर कर लेगा, अडानी यहाँ से अपने नाम पर बिजली पैदा कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक पूरा प्रोसेस अब क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अडानी पावर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अडानी पावर का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है, गौतम अडानी चेयरमैन है, राजेश शांतिलाल अडानी सीईओ हैं, और विनीत एस जैन क्या है, ये भी सीईओ हैं, ठीक है, को फाउंडर सीईओ दोनों लोग हैं। तो गौतम अडानी का नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है, ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आगे बढ़े तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको हम देना चाहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है। देखिए तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक जुडिशियल बॉडी है, पहली बात ये मालूम चलिए। इसे बनाया गया है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत इसे बनाया गया है, और 1 जून 2016 को इसने अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए इसको एक कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, कमेटी का नाम है इराडी कमेटी, जस्टिस इराडी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे बनाया गया है। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को किस कमेटी के रिकमेंडेशन बनाया गया, ये भी आपको लर्न करना है। आगे देखें, द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इज द एडुकेटिंग अथॉरिटी फॉर इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कंपनीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है वो 2013 कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई है, और इसका काम क्या है, जो इंसॉल्वेंट लोग हैं उनके पैसे को कैसे वापस लाया जाए, कैसे बैंक को दिए जाए, और ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। तो इतना पॉइंट मेरे ख्याल से काफी होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। कुछ पॉइंट और भी हैं, देखिए तो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की 13 बेंचेस हैं, 2 नई दिल्ली में हैं, उसके बाद 1 है अहमदाबाद में, इलाहाबाद में, बेंगलुरु में, चंडीगढ़ में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, हैदराबाद, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, ठीक है। तो ये आपको 13 बेंच याद कर ले, वो भी जरूरी है। राइट नाउ जस्टिस MM कुमार, अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द NCLT। यानी कि NCLT के प्रेसिडेंट कौन है, जस्टिस MM कुमार है, ये भी आपको लर्न करना होगा, काफी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इस पर टाइम ले रहा हूं, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज आपको हम क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हमने 3 न्यूज की बात यहां पर कंप्लीट कर ली है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं बिजनेस और इकोनॉमी की। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए कुछ नॉर्म्स इशू किए हैं जो काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी कुछ दिन पहले ही जैसे प्रांजल लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, शैलेश हैं, ये लोग मेरे पेड बैच में पढ़ते हैं, तो मैंने कुछ करेंसी चेस का एग्जाम्पल दिया था, आप लोग भी समझ लीजिए बेटा करेंसी चेस क्या होता है। जैसे आप लोग के शहर में ग्रामीण बैंक होते हैं, मेरे शहर का ग्रामीण बैंक कौन सा है, मेरे शहर का ग्रामीण बैंक है इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक। इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, तो आपको यह भी पता है कि हर ग्रामीण बैंक का एक स्पॉन्सर्ड बैंक होता है, शायद पता होगा, मैंने पढ़ाया, अगर आपने मेरी क्लास कभी देखी होगी। तो मेरे शहर में इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक काम करता है, और इसका स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है, इलाहाबाद बैंक है। तो मेरे शहर का जो लीड बैंक है वो इलाहाबाद बैंक है। अब जो लीड बैंक होता है उसके पास करेंसी चेस्ट होता है, मतलब एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरा पैसा शहर का रखा रहता है। ये जो नोटबंदी हुई थी क्या होता है इसमें, आप लोगों ने पुराने पैसे बैंक को लौटाए, बैंक ने ये सारे पैसे, उस शहर के सारे पैसे दे दिए लीड बैंक को, कहां पे, करेंसी चेस्ट में। अब करेंसी चेस्ट का पैसा कहां जाएगा, आरबीआई के पास, और आरबीआई इस पैसे को डिस्ट्रॉय कर देगा, नई करेंसी वापस आएंगी उसी शहर में, उसी लीड बैंक के पास चेस्ट में, और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो करेंसी चेस्ट में जो ये रिजर्व पैसे होते हैं वो पड़े होते हैं, ठीक है, ये समझ लीजिए। आगे बढ़िए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है, गाइडलाइंस दी है कि अगर करेंसी चेस्ट की बात करें तो करेंसी चेस्ट को मिनिमम 1500 स्क्वायर फिट का होना चाहिए स्ट्रॉन्ग रूम, मतलब कि इसकी एक एक स्पेस क्लियर कर दिया गया कि करेंसी चेस्ट बनेगा तो 1500 स्क्वायर फिट में बनेगा। पहली न्यूज देखिए आगे, बिसाइड द न्यू चेस्ट शुड हैव अ प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ 6.6 लाख पीस ऑफ बैंक नोट पर डे, यानी इसमें इतना स्पेस होना चाहिए कि 6.6 लाख पीस की बात कर रहे हैं हम, 6 लाख की बात नहीं कर रहे हैं हम, 6 लाख पीस की बात कर रहे हैं। अब इसमें 100 का नोट भी हो सकता है, 2000 का भी हो सकता है, 500 का भी हो सकता है, तो 6.6 लाख पीस किस में जगह होनी चाहिए,
कि पैसा कहीं से आ जाए तो इतना स्पेस हो कि आप ये 6.6 लाख पीस जो नोट के हैं वो रख सकें। तो आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, ठीक है। और देखें, आरबीआई ने ये भी बोला कि जो ऐसे एरिया हैं जो दुर्गम इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर आपके पास इतना बड़ा चेस्ट होना चाहिए कि 2.1 लाख पीस ऑफ बैंक नोट आप रख सकें पर डे। तो ये पॉइंट हमने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़े हम लोग और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। हमारा नेक्स्ट पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कई बार मैं आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं और आई होप कि आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा, ठीक है। तो अभी आरबीआई गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, ये लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हमने आरबीआई के अंडर में काम करने वाली जो कंपनीज हैं उसके नाम दिए हैं, तो DICGC, BRB, NMPL, NHB और REBIT, ये आरबीआई के अंडर में काम करने वाले लोग हैं, ठीक है। आगे बढ़ें तो आरबीआई गवर्नर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। तो आरबीआई गवर्नर जो होता है उसका कार्यकाल 3 साल का होता है, आपको ये पता होगा, 3 साल का होता है, उसके बाद उसे एक्सटेंशन मिल सकता है, वो उसके ऊपर है। हमने ये बहुत सारे पॉइंट पहले भी समझा दिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इसे आप PDF में देख लीजिएगा हमारे, ठीक है। आइए बिजनेस और इकोनॉमी की बात करते हैं और ड्रीम 11 की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ड्रीम 11 इंटर्ड यूनिकॉर्न क्लब। अब ये यूनिकॉर्न क्लब का मतलब क्या होता है? तो जिस कंपनी की कैपिटल 1 बिलियन के पार चली जाती है, 1 बिलियन अक्रॉस हो जाती है, उसे यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर लिया जाता है, पहला क्राइटेरिया, ठीक है। आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, तो आपको ये मालूम चल गया कि ड्रीम 11 को फंडिंग मिली है और ड्रीम 11 जो है ये यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाला पहला गेमिंग प्लेटफॉर्म है। आइए देखिए, ड्रीम 11 ऑनलाइन गेमिंग फर्म अनाउंस द कंप्लीशन ऑफ अ सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट बाई स्टीडव्यू कैपिटल एन एशिया फोकस्ड अल्टरनेटिव असेट मैनेजर। मतलब देखिए तो ड्रीम 11 में इन्वेस्टमेंट हुआ है किस कंपनी का? इसका नाम है स्टीडव्यू कैपिटल, इसने पैसा लगाया है। देखिए, द इन्वेस्टमेंट टेक ड्रीम 11 वैल्यूएशन एट ओवर $1 बिलियन, मेकिंग इन द फर्स्ट इंडियन गेमिंग कंपनी टू इंटर द यूनिकॉर्न क्लब। यानी कि अगर आपके पास जो कैपिटल है वो $1 बिलियन पार कर जाती है तो आपको यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर लिया जाता है। और ड्रीम 11 की कैपिटल कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ है स्टडीव्यू कैपिटल कंपनी का, ठीक है। तो ये पॉइंट, तो ड्रीम 11 और स्टडीव्यू कैपिटल दो नाम याद रखिएगा, बस इतना याद रखिए बस कि इनका इन्वेस्टमेंट हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ भावनाओं को समझने वाली बात है, तो दो नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़े, ड्रीम 11 की बात करें तो उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अगर क्वेश्चन आ गया तो आपके सामने ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी, देख लीजिए। तो 2008 में इसे फाउंड किया गया था, हर्ष जैन और भविष्य सेठ ये इसके फाउंडर हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है, ब्रांड एम्बेसडर MSD हैं, महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ें, अब बिजनेस इकोनॉमी में एक न्यूज़ पर हम और आते हैं, अवाडा एनर्जी एक कंपनी है जिसने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 1,000 करोड़ रुपए उठाए हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट की बात। फिर से एक बार यहाँ पे देखिए, अवाडा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड रेस्ड 1,000 करोड़ रुपीज फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक ऑन 9 अप्रैल। तो अवाडा एनर्जी, 1,000 करोड़, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। ये सब कुछ भावनाओं को समझने वाली बात है, मतलब ये बोला गया कि अवाडा एनर्जी 2.4 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो है और ये पैसा मिल जाएगा तो ये अपने टारगेट को बढ़ा सकते हैं जो कि 5 मेगावाट कैपेसिटी का है। तो ये तो आपको बस समझना है, आपको नेम याद रखने हैं अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात करने के लिए यहां पर जा रहे हैं। देखिए, तो हेडक्वार्टर मनीला इसका है, प्रेसिडेंट ताकुए को नकाउ है, फाउंडेड 19 दिसंबर 1966 और मेंबरशिप 68 कंट्रीज है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ताकुए को नकाउ याद हुआ कि नहीं अभी तक? मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ था, ठीक। चलिए, तो लिस्ट ऑफ एशियन ऑर्गेनाइजेशन एट इंटरनेशनल लेवल, हम यहाँ पर एशियन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर और उनके प्रेसिडेंट या फिर जनरल सेक्रेटरी की लिस्ट दे रहे हैं। ये मैं पहले भी आपको दे चुका हूँ और मुझे पूरी आशा है कि आपने इसे याद नहीं किया होगा, मैं जानता हूँ, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपके सामने AIIB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सब कुछ है आपके सामने और आपको ये सब याद कर लेना है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, सबके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं यहाँ पर। आगे बढ़े और अब आपको ले चलते हैं बिजनेस इकोनॉमी पर। बिजनेस इकोनॉमी की न्यूज़ थोड़ी ज़्यादा है हमारे पास आज। कॉफ़ी डे, CCD, आई थिंक बहुत लोग का ये फेवरेट प्लेस होगा, कभी मेरा भी हुआ करता था जब मैं दिल्ली में था तो मेट्रो से निकलता था कुछ टाइम के लिए, फिर यहाँ बैठता था मैं, ठीक है। यहाँ बैठकर बुक पढ़ने का आनंद ही अलग है, साथ में कैपेचीनो हो, कंप्यूटर जी आप तो जानते ही होंगे, है ना, सही, बढ़िया, अच्छी बात। तो हम CCD की बात कर रहे हैं, तो CCD में एक इन्वेस्टमेंट हुआ है 49% का, कंपनी का नाम है इम्पैक्ट। आइए देखिए बात करते हैं, तो कॉफी डे इंटरप्राइजेस लिमिटेड अलॉन्ग विथ इट्स सब्सिडरी
कॉफी डे ग्लोबल लिमिटेड अनाउंस दैट जापानीज कंपनी इम्पैक्ट एचडी विल एक्वायर 49% स्टेक. तो जो ये आपका कॉफी डे ग्रुप है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो ये आपका कॉफी डे ग्रुप है, कॉफी डे ग्रुप में भी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज हैं. तो कॉफी डे ग्रुप में जापानीज कंपनी इंपैक्ट 49% का इन्वेस्टमेंट कर रही है और 51% इन्वेस्टमेंट किसका है, कॉफी डे का है. तो ये ज्वाइंट वेंचर वाली बात हो गई क्योंकि 49% इन्वेस्टमेंट है. तो आपको याद रखना है इंपैक्ट एचडी एक जापानीज कंपनी है जो 49% स्टेक ले रही है और इसके बदले में 15 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही है. ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है नबीदा. कौन सी बुक? अरे बहुत सारी बुक्स होती हैं पढ़ने के लिए, ठीक है. तो ये पॉइंट हमने आपको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है. तो कॉफी डे की 51% स्टेक होगी और इम्पैक्ट की 49% इन्वेस्टमेंट होगी, आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉफी डे के बारे में आपके सामने बात करते हैं, ठीक है. देखिए तो कॉफी डे की बात करें, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसके जो की पीपल है, चेयरमैन है मिस्टर वीजी सिद्धार्था कॉफी डे ग्रुप के चेयरमैन है, ठीक है. तो आपके सामने यहाँ पर है. आगे बढ़े और अब बात करते हैं एग्रीमेंट और एमओयू की. तो इंडियन नेवी ने एक एग्रीमेंट एक एमओयू साइन किया है सीएसआईआर के साथ और आई थिंक सीएसआईआर के बारे में आप काफी कुछ जान चुके होंगे हमारे शो से. देखिए द इंडियन नेवी एंड द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च entered into an MOU for undertaking joint research and development of advanced technology for the Indian Navy. यानी इंडियन नेवी ने और CSIR ने एक एग्रीमेंट किया है जिसके तहत दोनों लोग कंबाइंड रिसर्च करेंगे इंडियन नेवी में टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने के लिए. इंडियन नेवी CSIR क्यों एग्रीमेंट हुआ है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है. इतना ही पढ़िए और सब कुछ भावनाओं को समझने वाली बात है, कहानियां हैं केवल, ठीक है. अब देखिए वाइस एडमिरल GS पब्बी एंड शेखर सी मांडे सेक्रेटरी DSIR साइन द MOU इन न्यू दिल्ली. हालांकि ऐसे पॉइंट भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं एग्जाम के लिए, ठीक. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की बात कर लें अगर, तो देखिए इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मांडे और इसके प्रेसिडेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. एस्टैब्लिशमेंट 1942. इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी दैट हैज एमर्ज एज द लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया. तो हमारे इंडिया का ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है CSIR. तो इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वो हमने सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है. चलिए तो लिस्ट ऑफ ज्वाइंट, क्योंकि नेवी की बात हो रही है तो लिस्ट ऑफ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस ऑफ इंडियन नेवी, यानी इंडियन नेवी किस किस कंट्रीज से किस किस नाम पे ज्वाइंट एक्सरसाइज करता है नेवी का, देख लीजिए यहां पर, वो भी लिस्ट हमने आपको दी है, ठीक है. आइए स्पोर्ट्स की बात करते हैं. बेसिकली स्पोर्ट्स में हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करेंगे. देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है तो इसीलिए ये न्यूज आपको यहां पे दिख रहे हैं. तो इजहाक हायक की बात करें तो इनका बर्थडे था और इनका बर्थडे अगर मैं गलत नहीं हूं तो 74th बर्थडे था और इसमें इन्होंने फुटबॉल खेलकर क्या किया, रिकॉर्ड बना दिया 74 ईयर. आइए देखिए उसकी बात करते हैं. इसहाक हाइक सेट द रिकॉर्ड बाय प्लेइंग एज अ गोलकीपर फॉर इजरायली टीम आरोनी और यहूदा रिसेंटली. तो मतलब इनकी टीम का नाम क्या था, टीम आयरनी या यहूदा, तो उसमें ये एज अ गोलकीपर खेले इसहाक याइक, ठीक है. और इन्होंने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल कर लिया, इनका 74th बर्थडे था इसके अवसर पर. तो बहुत ये इंपॉर्टेंट न्यूज, बहुत बड़ी नहीं पढ़नी आपको, नाम पढ़ने केवल इसहाक हाइक और इन्होंने एज ए गोलकीपर खेला, 74th बर्थडे था इनका और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, ठीक है, सबसे उम्रदराज प्लेयर के नाम पर, ठीक. तो ठीक है ये हमारा पॉइंट हो गया. इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड मैप पे, वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ ही रहा है. ये देखिए हमने इसको और जूम कर दिया तो ये इसराइल का पूरा है, आप देख पा रहे हैं जॉर्डन सीरिया इजिप्ट सब इसके आसपास देश हैं, ठीक. आगे बढ़े. कैपिटल जेरूसलम, करेंसी इजरायली न्यू शेकेल, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं. अभी इलेक्शन चल रहा है, शुरू हो चुका है इलेक्शन वहां पे, ठीक है. और प्रेसिडेंट कौन है, रूवेन रिवलिन है, ठीक. चलिए आगे बढ़ेंगे और आपको ले चलेंगे नेक्स्ट न्यूज पर और नेक्स्ट न्यूज आपके सामने क्या आ रही है देखिए यहां पर. चलिए बहुत न्यूज है हमारे पास आज, ठीक है. चलिए तो यहां पर कुछ इराक के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है. इराक की कैपिटल, इराक की करेंसी, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी आपको यहां पे बताए गए हैं. आगे बढ़ते हैं और लिस्ट ऑफ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें, कुछ रिवीजन की बात यहां पे हो रही है. तो आपको पता है मैंने ये पढ़ाया हुआ है आपको, श्रीधर मुथुकृष्णन की बात करें इन्हें भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ है फोटोग्राफी पेंटिंग के लिए, याद करिए. मैंने आपको CISF के बारे में भी पढ़ा चुके हैं कि इन्होंने भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इन्होंने शामिल किया है एक सिंगल लाइन बाइसिकल चलाकर,
ठीक। उसके बाद कुंभ मेले को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया है, आपको ये पढ़ाया गया है। इसके बाद ये भी जो कपड़े कलेक्शन की बात हुई थी कि लक्षराज सिंह मेवाड़ के एक कैंपेन चला था उन्होंने, जिसमें करीब 3 लाख से ज़्यादा क्लॉथ आइटम को कलेक्ट किया गया था एनजीओस और स्कूल्स में देने के लिए, ये सब पढ़ाया गया आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं और कुशाग्र रावत ने 2020 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है इन स्विमिंग। देख लीजिए यहाँ पर, इंडियन स्विमर कुशाग्र रावत क्वालिफाइड फॉर 2020 ओलंपिक ऑन 7 अप्रैल, ठीक है। अब देखिए इसमें नीचे यह दिया गया है कि इन्हें कितने पॉइंट मिले, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुशाग्र रावत याद कर लीजिए, ये इंडियन स्विमर है, मतलब स्विमिंग से बिलोंग करते हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए अपने आप को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है, बस इतना पढ़ना है आपको, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट स्पोर्टिंग इवेंट 2019-23। तो कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट किस ईयर में कहां पर होने वाले हैं, हमने उसकी लिस्ट आपको यहां पर दी हुई है, आप देख लीजिए यहां पर। 8th फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 19 फ्रांस, ठीक है। 18th फीना वर्ल्ड एक्वेटिक्स स्विमिंग, ये कहां पर, साउथ कोरिया। पूरी न्यूज हमने आपको दी है यहां पर, देख लीजिए, और ये आपको पढ़ना भी है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, पूरी लिस्ट है यहां पर। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अपॉइंटमेंट एंड डिजिग्नेशन की। तो यहां पर एक शख्स आपको दिख रहा है बड़े खुश यहां पर, इनका नाम क्या है, आइए इनकी बात थोड़ी कर लेते हैं। उषा मार्टिन एक कंपनी का नाम है। उषा मार्टिन हैज अपॉइंटेड अनिर्बन सन्याल एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उषा मार्टिन एक कंपनी है जिन्होंने अनिर्बन सन्याल को अपना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर आपको सरदार जी दिखाई दे रहे हैं, आइए इनके बारे में बात करते हैं। सन ग्रुप चेयरमैन है ये, इनका नाम है विक्रमजीत सिंह साहनी। तो विक्रमजीत सिंह साहनी को प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है विक्रमजीत सिंह साहनी को, आपके सामने न्यूज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब ये कुछ स्पोर्ट्स कोच की टाइप दिख रहे हैं, कौन है भाई, आइए इनके बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं, ग्राहम रीड। ऑस्ट्रेलियन ग्राहम रीड हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन मेंस हॉकी नेशनल टीम चीफ कोच टिल द एंड ऑफ 2020। तो ग्राहम रीड को इंडिया मेंस हॉकी नेशनल टीम का चीफ कोच अपॉइंट किया गया, तो ये भी लिस्ट आपके सामने यहां पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की यहां पर, आइए अब बात करते हैं रिजिग्नेशन की। तो US होमलैंड सेक्रेटरी स्टेप डाउन, इनका नाम क्या है, आइए इनके बारे में बात करते हैं। तो US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड दैट US होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टेन निल्सन इज स्टेपिंग डाउन। तो इनका नाम है क्रिस्टेन निल्सन, इन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, ये सिक्योरिटी सेक्रेटरी थी, आइए इनके बारे में देखिए। तो इनको रिप्लेस कौन करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे केविन मैकलिनन, वो भी अस्थायी रूप से। तो आपको बस नाम याद रखना है क्रिस्टेन निल्सन का, जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया है, ठीक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा कर दी है, आइए इसके बारे में तो हमने बात कर ली, इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट इन मार्च 19, कई बार मैं ये लिस्ट दे चुका हूं और इस होप के साथ कि आप इसे कभी ना कभी तो लर्न कर ही लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहां पर, देखिए अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। शिवदास मीना जो है ये नए चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं NBCC की। NBCC का मतलब क्या है, देखिए यहां पर शिवदास मीना ये है क्या, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं। हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन। तो नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के ये क्या बने हैं, ये बने हैं MD कम, देख लीजिए यहां पर चेयरमैन कम MD। तो नाम आपको याद करना है, शिवदास मीना की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया, आगे बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। और सॉरी दुर्गा शंकर मिश्रा ये सेक्रेटरी हैं, देख लीजिए यहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट न्यूज पे आपको ले चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने यहां पर क्या है, देखिए CRPF की बात करेंगे यहाँ पर। CRPF तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सेलिब्रेटेड इट्स 54th वैलोर डे, मतलब कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 54वां वीर दिवस मनाया। ये वीर दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आपको पता है कि 1965 में पाकिस्तान से जब वॉर हुई थी तो CRPF ने पाकिस्तान का जो अटैक था कच्छ ऑफ गुजरात में, वो उसे नाकाम कर दिया था। तो इसकी वजह से वीर दिवस सेलिब्रेट करता है CISF, और इस बार 54th 9 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। राजीव राव भटनागर क्या है, इसके डायरेक्टर जनरल है। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, रोज पढ़ा रहा हूँ एग्जैक्टली मैंने आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे किसकी, हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज ऑफ इंडियन डिफेंस की बात कर रहे थे, लाइक इंडियन आर्मी डे, इंडियन एयरफोर्स डे, उसकी भी लिस्ट पूरी आपको दी गई है, आप यहाँ से आराम से याद कर सकते हैं पूरा, ठीक। चलिए आगे बढ़ें और डेज और इवेंट में नेक्स्ट न्यूज़ आज की अगर बात करें तो आज 10 अप्रैल है और आज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे इज ऑब्जर्व ऑन 10 अप्रैल टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर क्रिश्चियन फेडरिक सैमुअल हैनीमैन। तो इनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज इन मार्च एंड अप्रैल आपको लिस्ट दी गई है और आप इसे याद कर चुके होंगे, आप अच्छे बच्चे हैं आप लोग। तो मार्च अप्रैल में जो भी डेज आते हैं वो हमने आपको लिस्ट यहां पर दे दी है। आगे बढ़े, इंडेक्सेस और रिपोर्ट की बात करें तो इंडिया हाईएस्ट रिसिपियंट ऑफ रेमिटेंसेस। रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, अगर बाहर के लोग पैसा भेजते हैं इंडिया में, उसे हम रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया नंबर एक पर बना हुआ है, मतलब पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पैसे इंडिया में आते हैं। इंडिया के जो सिटीजन है, जो नागरिक है, जो बाहर रहते हैं, वो अपना पैसा भेजते हैं इंडिया में अपने फैमिली को। देख लीजिए यहां पर, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडिया रिटेन इट्स पोजीशन एज द वर्ल्ड टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस विथ इट्स डिस्पोरा सेंडिंग अ होपिंग यूएसडी 79 बिलियन बैक होम इन 2018। तो यूएसडी के वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया में 2018 में 79 बिलियन पैसे आए हैं बाहर से, और इसके बाद दूसरे नंबर पे चाइना है फंड रिसीव करने वाला, इंडिया पहले नंबर पे है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर, यह भी बोला गया है कि 2016 में हमारे पास 62.7 बिलियन डॉलर आए थे और 17 में 65.3 बिलियन डॉलर आए, लेकिन 18 में कितने आए, तो 79 बिलियन यूएस डॉलर आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसी में एक न्यूज को मैंने और ऐड कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो फाइनेंशियल 1920 उसकी ग्रोथ रेट को अभी 7.5% एक्सपेक्ट किया कि 7.5% इंडिया की ग्रोथ रेट होनी चाहिए 2019-20 में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, और यहां पे लिस्ट ऑफ रिपोर्ट पब्लिश बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट या इंडेक्स पब्लिश करता है उसकी भी स्टैटिक इंफॉर्मेशन हमने आपको यहां पर दे दी है, देख लीजिए यहां पर, ठीक है। और अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक, मैंने हमेशा बोला कि वर्ल्ड बैंक कोई बैंक नहीं है, वर्ल्ड बैंक पांच अलग अलग बॉडी का बना हुआ बैंक है, देख लीजिए यहां पर। तो इनके पांचों पार्ट के नाम यहां पर फुल फॉर्म के साथ आपको बताए गए, 5 एजेंसीज हैं वर्ल्ड बैंक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर बात करें तो उसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, 1945 में इसको बनाया गया था, ठीक है। चलिए और यहां पर देख लीजिए, तो डेविड मालपास की बात करें, प्रेसिडेंट हैं अभी, इनका नया अपॉइंटमेंट हुआ है। मेंबरशिप की बात हमने यहां पर की है आपसे, ठीक है। चलिए एक्स्ट्रा इलाइट की बात करते हैं और शुरुआत करेंगे ऑबिट्री से, और यहां पर क्या नाम है इनका देखिए, तो बॉलीवुड एक्टर नवतेज होंडल, इनका निधन हो गया है और इनकी लास्ट मूवी थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। मूवी न्यूज में है, मे बी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मर मणिपुर मिनिस्टर एंड फॉर्मर लोकसभा एमपी, इनका नाम है होल खोमंग हाउप किप, इनका भी निधन हो गया। नाम थोड़ा याद करना टफ है लेकिन याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मणिपुर के मिनिस्टर और फॉर्मर लोकसभा एमपी भी रह चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमने आपको लिस्ट ऑफ ऑबिट्रीज की एक लिस्ट दे दी है मार्च में, आप मार्च की आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट, तो यहां पर हमने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक नाम और शामिल कर लिया है, अराउंड 5000 नागा कोनियन वुमेन डांस सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन नागालैंड। तो नागालैंड में करीब 5000 नागा कोनियाक महिलाओं ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, देखिए यहां पर देखिए। तो एक्चुअली नागालैंड में एक फेस्टिवल है, एओलेंग फेस्टिवल, एओलेंग फेस्टिवल के मौके पर नागालैंड में 5000 कोनियाक जो कम्युनिटी की वुमेन्स हैं उन्होंने साथ में डांस किया और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया, ठीक है। तो ये भी न्यूज़ हमने आपको यहाँ पे दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़ नंबर 3 की बात करते हैं, तो यूनाइटेड स्टेट ने ईरान फोर्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है। मतलब क्या इसका, देखिए द यूएस डेजिग्नेटेड ईरान रिवोल्यूटरी गार्ड ईरान्स रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एज ए फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएस ने इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब सरकारी एजेंसी को टेररिस्ट ग्रुप में शामिल किया गया है। ये जो ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, इसे बनाया गया था 1979 में, जो रिवोल्यूशन हुआ था ईरान में, उसके बाद ईरान के जो हेड होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए इसे बनाया गया था, और ये जो ग्रुप है ये सीधे ईरान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की रक्षा करती है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया गया है, ठीक है।
क्विज नंबर फोर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया है पीएनबी ने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में से अपने 13% स्टेक बेच दिए हैं और इससे पीएनबी को 18.5 बिलियन डॉलर की कमाई हुई है और मूडीज ने बोला है कि इससे पीएनबी की बैंक कैपिटल रेज हो जाएगी तो 18.5 बिलियन डॉलर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर फाइव की बात करते हैं। ऑन 6 अप्रैल अ म्यूजिक एंड पोएट्री फेस्टिवल टाइटल्ड जश्न ए इत्तेहाद वॉज हेल्ड एट द जामिया मिलिया इस्लाम यूनिवर्सिटी सेंट्रलिटी इन न्यू दिल्ली टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट यूनिटी अमंग अस द यूथ। तो देख लीजिए यहाँ पर तो जश्न ए इत्तेहाद जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हुआ, इसमें युवाओं को एकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये इवेंट हुआ ठीक है। तो आगे बढ़ें और अभी हम थोड़ी देर में एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं, एमसीक्यूज में भी आपको धमाल मचाना है ठीक है। देखिए यहाँ पर तो टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, हम थोड़ा जल्दी चलेंगे ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है और आपको इसका आंसर देना है। तो हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ कैमरून इन अप्रैल 2019, पढ़ाया गया है और आपको इसका आंसर देना है, व्हाट इज द आंसर। हाँ आज महिमा सिंह जी, आज काफ़ी न्यूज़ हमारे पास है, अब क्या करें, न्यूज़ अच्छी है तो दे दिया। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू राकेश मल्होत्रा, ऑप्शन नंबर टू इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर टू। Which country will designate Iran's Revolutionary Guard as a terrorist organization? अभी मैंने आपको तुरंत पढ़ाया ये। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर दें, जल्दी जल्दी आंसर दें, what is the answer? And the answer is USA. USA is right answer. Let's move to our question number 3. SEBI has approved an airport specific fund of capital up to rupees this amount as a category 2nd AIF. तो सेबी ने श्रेणी 2 AIF के रूप में कितने फंड, कितने करोड़ रुपए के हवाई अड्डे के विशिष्ट फंड को मंजूरी दी है, तो व्हाट इज द आंसर? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टडी फ्रॉम द रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पेसनेट इकोनॉमिक शोज दैट हाउ मच परसेंट ऑफ उज्ज्वला बेनिफिशरीज इन रूरल बिहार मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश स्टिल यूज सॉलिड फ्यूल्स फॉर कुकिंग, व्हाट इज द आंसर? तो इसका आंसर होगा 85%। 85% ऐसी वुमेन जिन्हें उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर कनेक्शंस मिले थे वो आज भी चूल्हे का यूज़ कर रही हैं रिपोर्ट के हिसाब से ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? वर्ल्ड हेल्थ डे तो 7 अप्रैल को होता है, आपको बताइए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बींग ऑब्जर्व फ्रॉम अप्रैल 7 to 14, 2019? तो 7 से 14 अप्रैल को हम किस रूप में मनाते हैं, कल ही मैंने आपको पढ़ाया था। अंशुमान पूछ रहे हैं पीडीएफ कैसे मिलेगी, चैट में बने रहे, पीडीएफ को मिल जाएगी। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, नेशनल हैंडलूम वीक। नेशनल हैंडलूम वीक इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। हु वॉन द मलेशिया ओपन इन कुआलालंपुर इन अप्रैल 19? कल ही पढ़ाया मैंने आपको, व्हाट इज द आंसर? तो गाइस इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लिन डैन इज राइट आंसर। और अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार, लाइक कर दिया करो, तुम लोग देखते हो 900,000 लोग, लाइक होता है 200-300। क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द 15th एडिशन ऑफ जर्नल जे सिंह एयर वेपन चैंपियनशिप फॉर द 4th कंसेक्यूटिव टाइम, व्हाट इज द आंसर? कौन सी कमांड ने जीता? तो ये पढ़ाया गया आपको, आंसर इज नॉर्दर्न कमांड, ऑप्शन नंबर 1। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ द पोस्ट ऑफ CMD ऑफ द डिसइन्वेस्टमेंट बाउंड पवन हंस लिमिटेड इन अप्रैल 2019, व्हाट इज द आंसर? और ये फर्स्ट वुमन ही है, मैंने आपको ये भी पढ़ाया है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, उषा पाडे, ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। जस्टिस प्रदीप नंदरा जोग हैज स्वॉन इन एज चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट इन अप्रैल 2019, व्हाट इज द आंसर? And the right answer is option number 2, Bombay. Bombay is right answer. Let's move to our question number 11. For which state has the meteorological department issued a yellow weather warning for rain in April 2019? So what is the answer? Kya iska answer hai? Dekh lijiye yahan par. And the right answer is Himachal Pradesh. Himachal Pradesh, option number 2 is right answer. Let's move to our next question. Which of the following Indian naval ship would take part in the Chinese Navy's 70th anniversary of celebration later in April 19? तो ये मैंने आपको पढ़ाया था कल ना, कौन कौन से शिप जा रही हैं। तो इसका आंसर है INS कोलकाता, INS शक्ति, मतलब ऑप्शन नंबर 4, बोथ 1 and 3। वेरी गुड, फैंटास्टिक। आगे बढ़ेंगे और 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया कोल इम्पोर्ट इंक्रीज बाई हाउ मच परसेंट? टू
212.11 million ton in the April-February period of financial year 19 as per a report. And the right answer is 7.8% bada gaya import. Theek hai? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. मोहम्मद नशीद मेड अ ड्रामेटिक रिटर्न टू द टॉप ऑफ द नेशनल पार्लियामेंट. ही बिलोंग टू विच कंट्री. मोहम्मद नशीद की बात कर रहे हैं. कल आपको मैंने पढ़ाया था मालदीव इज राइट आंसर. ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 15. बेरिंग प्राइवेट इक्विटी एशिया एग्रीड टू बाई अ 30% स्टेक इन विच कंपनी फॉर अबाउट 2627 करोड़ इन अप्रैल 2019. तो ये पढ़ाया गया आपको. वॉट इज द आंसर. तो राइट आंसर क्या है. एन आई आई टी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड. ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन ड्रिवन बाई डोमेस्टिक डिमांड एंड इट्स एक्सपोर्ट वेयर अबाउट ऑफ इट्स पोटेंशियल. तो विश्व बैंक के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि घरेलू मांग से प्रेरित है और इसका निर्यात इसकी क्षमता का कितना परसेंट था. तो ये 1/3 था. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following joined hand with Keto to help its seller raise funding for business expansion, product development and even for medical assistance. So, kal hi padha gaya tha aapko. What is the answer? And the right answer is Amazon India. Option number 2. Our next question. From where did Indian evacuate its entire contingent of 15 CRPF personnel in April 19? So, kahan se nikala gaya? To aapko maine padhaya tha kal ki baat hai. Libya ki capital kya hai? Tripoli. To wahan se option number 2. Next question. Where did the biannual army commander conference begin in April 2019? To dvivarshik sena commanderon ka sammelan kahan pe shuru hua? Ye aapse pucha gaya hai. And the right answer is, तो right answer इसका क्या होगा, ले चलते हैं आपको next slide पर. और ये तो मैंने कल ही पढ़ाया था आपको ना, तो याद होगा आप लोगों को. And the right answer is New Delhi. Our next question. Who has been appointed as the head of the independent investigative mechanism for Myanmar in April 19? तो ये भी तो पढ़ाया गया है, शायद आप भूल चुके हो. Right answer is Nicholas Komujian. Option number 3. Our next question. Where did the biannual army commander, तो ये तो question हो चुका है हमारा New Delhi में. और अच्छा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था निकोलस कोम. ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं. पहले मैं देखूँ कितने लोग लाइव देख रहे हो. तो अगर लाइक कम होगा तो हाँ, लाइक तो कम है, डिसलाइक 3 हो चुका है. चलो कोई बात नहीं, पीडीएफ तो तभी देंगे जब तुम लोग लाइक करोगे. तो भैया लाइक करना शुरू कर दो. और ये रही पीडीएफ आपके सामने जो आपको यहाँ पर दे दी जा रही है. तो ये हमारी न्यूज़ थी आज की. काफ़ी न्यूज़ हमने आपको दे दी. हमारा करंट अफेयर्स जो है वो धीरे धीरे एक कहते हैं ना औसम, उसकी तरफ बढ़ता जा रहा है, वो भी आप लोग के सपोर्ट की वजह से. ठीक है, थैंक यू गाइस. बड़ा मजा आया आप लोगों को पढ़ा के आज. और मिलते हैं आप लोगों से कल फिर मॉर्निंग में 7:30 पे. ठीक है, तब तक के लिए आप और पढ़ाई कर लीजिए. और हाँ, कल 1:30 पे 3 घंटे का अपना वीडियो है, तो उसमें भी आपको आना है. ठीक है, थैंक यू गाइस. अपना ख्याल रखिए, बहुत पढ़ाई करिए, गिव अप कभी नहीं करना है, और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना है. आप सबका दिन मंगलमय हो. आप सबका दिन मंगलमय हो. फिर से थैंक यू.